शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति गुरु के चरणों का आश्रय लेता है, गुरु के चरणों का अवलंबन लेता है, तो कहते हैं कि वो दुनिया में ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है जो बड़े से बड़े योगी ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। गुरु कृपा का अवलंबन, संत की कृपा, संत का समागम, सत्संग और भगवद कथा का श्रवण, ये ऐसी चीजें हैं जो आपका जीवन बदल देते हैं। ऐसे अनगिनत दृष्टांत हैं, अनगिनत, जो ये बताते हैं कि मन की दशा को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हम मोड़ सकते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। श्रेष्ठ दिशा, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग धीरे 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 शने शने आपके जीवन की दिशा को बदल देते हैं, आपके जीवन की धारा बदल देते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही दिशा में सही चिंतन को लेकर के आप अभ्यास करें, सही मार्ग की ओर आपके कदम चलें, क्योंकि अभ्यास के बगैर इस मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ये जो मनुष्य है ये चिंतनशील प्राणी है, ये सोचता रहता है, देखता है, सुनता है और समझता है। और मनुष्य की जो सोच का बिंदु है, मनुष्य की सोच का जो बिंदु है, वो केवल और केवल दृश्य तक सीमित नहीं है, देखने मात्र तक सीमित नहीं है, वो अतीत की समीक्षा भी करता है। वो कई बार ये मनुष्य अपने अतीत के जीवन में भी झांकता है और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करता है। ये मनुष्य भविष्य की ओर भी देखता है कि मुझे भविष्य में ये करना है, अतीत का समीक्षण करता है कि मैंने जो काल बीत चुका उसमें मैंने क्या क्या किया और आगे मुझे क्या करना है। और प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य भविष्य को अच्छा बनाने का सबसे सरल तरीका अगर कोई है, वो है वर्तमान को शुभ बनाना। आप अपने वर्तमान को ठीक कर लीजिए, आपका जो वर्तमान है उसे आप ठीक कर लीजिए, आपका जो भविष्य है वो एकदम ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि वर्तमान निर्माण का कार्य करता है, वर्तमान निर्माण का, जो आपका अतीत है, जो लौट चुका, जो बीत चुका, जो वापस लौट करके नहीं आएगा, वो आधार का काम करता है। अतीत आधार का काम करता है, वर्तमान जो है वो निर्माण का कार्य करता है। गौर से सुनना, अतीत आधार का काम करता है, वर्तमान निर्माण का काम करता है, और जो भविष्य है वो परिणाम लेकर के आता है, भविष्य परिणाम लेकर के आता है। जिसने अपना वर्तमान ठीक कर लिया, जिसका निर्माण ठीक ढंग से हो गया, उसका परिणाम हमेशा ठीक रहता है। अगर आप अपने मकान को बनाने के लिए किसी व्यक्ति को तय करते हैं, तो सबसे पहले आप उसे कहते हैं कि इसकी जो नींव है वो अच्छी डालना, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूती से खड़ा रहेगा, उस मकान की सुंदरता, भव्यता, दिव्यता हमें देखने को मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि आपका अतीत जो है वो आधार का काम करता है, भविष्य निर्माण और वर्तमान निर्माण और भविष्य जो है वो परिणाम लेकर के आता है। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य अपने वर्तमान को ठीक करे, अपने वर्तमान को। और वर्तमान कैसे ठीक होता है, मनुष्य का जो वर्तमान है वो कैसे ठीक हो, तुलसी बाबा कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को अपना वर्तमान ठीक करना है तो उसे सत्संग करनी चाहिए, संतों का संग करें, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। बुद्धि एक अलग विषय है, विवेक एक अलग विषय है। बुद्धि जो है, बुद्धि में तर्क पैदा होता है, विवेक से ज्ञान पैदा होता है। बुद्धि तर्क को जन्म देती है, ध्यान रखना। आप अगर किसी विषय पर, किसी वस्तु पर अगर आप बुद्धि से काम लेते हैं तो वो बुद्धि तर्क को जन्म दे देती है। लेकिन अगर आप किसी विषय और वस्तु के प्रति अगर आप विवेक से काम लेते हैं तो वो जो विवेक है वो ज्ञान को जन्म देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग हमें जगाती है, ये जो सत्संग है ये हमें जगाने का काम करती है। तो आप मुझसे ये कहोगे कि महाराज जी, हम तो जागे हुए हैं, आंखें खुली हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब ठीक है, आपका शरीर जागा हुआ है।
ये जो जागना है, ये जागना शरीर का जागना है, क्या आपकी आत्मा, क्या आपका चैतन्य जागृत है जो आपके भीतर है? ये शरीर, इस शरीर के भीतर भी एक और तत्व है, वो तत्व है आत्म तत्व। क्या वह आपका, आपका जो आत्म तत्व है वो जागृत है? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका आत्म तत्व सोया पड़ा है, और परमात्मा शरीर के जागने से नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है आत्मा के जागने से। ये जो कथा है, ये कथा हमें जगाती है। ये जो संत लोग कथाएं करते हैं, भागवत की कथा जगह जगह होती है, कहते हैं कि जगह जगह कथाएं होती है महाराज जी, कहां कहां जाएं, जहां जहां आपको मौका मिले, जहां जहां आपको अवसर मिले आप जरूर जाएं, क्योंकि कथा आपको जगाती है, कथा हमें जागृत कर देती है। जन्म जन्मांतरों की हमारे चित्त पर, मन पर, संस्कारों पर, व्यवहार पर और आत्मा पर जो धूल पड़ चुकी है, उन धूल की परतों को हटाने का काम करती है ये कथा। ये कथा जो है ये सत्संग रूपी झाड़ू का काम करती है, ये आपके मन के ऊपर जमी हुई मैल को हटा देती है। ये सत्संग जब किसी व्यक्ति के जीवन में आती है, कहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में, जब किसी व्यक्ति के जीवन में सत्संग का दीप जलता है तो उसकी आत्मा आलोकित हो जाती है, उसका चैतन्य आलोकित हो जाता है, उस जीव को अपने खुद के होने का अनुभव हो जाता है, वो स्वयं कौन है, और फिर वो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु शब्द का थोड़ा सा अर्थ समझ लें, थोड़ा। अगर हम वेदांत में जाएं, अगर हम वेद में जाएं, अगर हम उपनिषद में जाएं, अगर हम गुरु गीता में झांक करके देखें, तो गुरु शब्द का बड़ा गूढ़ अर्थ बताया गया है। गुरु जो शब्द है उसमें दो शब्द काम में है, गु और रू। गु कहते हैं जो गुह्य है, जो गुप्त है, जो छुपा हुआ है, और रू कहते हैं जो प्रकाशित है, जो चैतन्य है, जो दिखाई दे रहा है। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा करके हमें प्रकाश का दर्शन कराए, और इस जगत का समूचा प्रकाश परमात्मा के अंदर प्रतिष्ठित है, परमात्मा के अंदर। गुरु गीता में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो गुरु रूपी तत्व है, ये हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से बंद हुई आंखों में ज्ञान के अंजन की शलाका लगाकर, ज्ञान के अंजन की शलाका लगाकर हमारे चक्षु खोल देता है, और फिर उन खुले हुए चक्षुओं से हमें परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु लोग, संत लोग, वीतरागी लोग, सन्यासी लोग, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, वे हमें इस मार्ग का दर्शन करवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य सत्संग करें, संतों का संग करें, सतपुरुषों का संग करें। संयम, सेवा, साधना, इन चार चीजों को हमेशा अपने जीवन में धारण करें। गौर से सुनना, संयम, सेवा, साधना, इन चीजों को अपने जीवन में धारण करें। कहते कि संयम, सेवा, साधना, संयम, सेवा, साधना और सतपुरुषों का संग। व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने जीवन में? व्यक्ति को अपने जीवन में पहली बात उसे संयम रखना चाहिए। दूसरी बात, सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, अतिथि की सेवा करें, अव्यागत की सेवा करें। आपके द्वार पर कोई दीन दुखी आ जाता है, उसे खाली हाथ न लौटाएं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उसकी सेवा करें। संयम, सेवा, साधना, सतपुरुषों का संग, ये चारों करते ही तुरंत मिले गोविंद। ये चारों जब व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को तुरंत गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। एक और बात, इससे पहले कि ये काल आकर के हमें अपने भीतर समेट ले, ये काल रूपी नाग आकर के हमें डस ले, उससे पहले हम जाग जाएं, उससे पहले, नहीं तो हम सोते रहेंगे। अगर हम सोते रहे और सोते सोते अगर काल हमें पकड़ करके ले गया, ध्यान रखना, आप अपने जीवन से बहुत बड़ा अवसर चूक जाएंगे, बहुत बड़ा अवसर। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सूता क्या करे। कबीर जी कहते हैं जीव को, इस मनुष्य की तू सोता सोता क्या कर रहा है।
कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारी, जागो जपो मुरारी का भजन करो। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारी, एक दिना है सोवना